एक यहाँ किया तूने। ये गीत गाने के समय में कितने लोग अपना दिल प्रभु के ओर लगाया है ना, प्रभु हमारे लिए कितना बड़ा प्यार दिया, हमारे लिए क्या किया ना, इस स्थान में हम लोग मरना चाहिए था, वो जगह प्रभु ने हमारे लिए लिया। ये दुनिया में मरने के लिए आया वो एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है ना, हम लोग सब जीने के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए आया, हमारे लिए बलिदान होने के लिए आया। तो बहुत बड़ी बात है थी। आज भी इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में जब प्रभु के लोग शुरुआत का मंडली जब एकत्र होते थे, अब तक का पहला दिन उन लोग सबसे बड़ा महत्व प्रभुमेश को देता था। तो जीवन की यात्रा में हमें भी प्रभु ने हमें दिया हुआ ये जो व्यवस्था है, ये जो आज्ञा है, मानव प्रभु का आगमन तक पवित्र लोग ये मेष को आचरण करना, इसका अनुभव लेना, इसके द्वारा प्रभु का महिमा करना, ये प्रभु का हमें दिया हुआ आदेश है। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, हमें इसका लायक बनाने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया, ये बात हमें जानना चाहिए और हम प्रभु के साथ बहुत आभारी होना चाहिए। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह को देख करके प्रभु के आगे आगे मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु को देख करके कहने वाला शब्द आपको याद है ना, देखो है ना, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 29 वचन, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ देखा, ये परमेश्वर का मेमना है, बोलने का मतलब परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बलिदान होने के लिए आया हुआ मेमना है। देखा वो मेमना बोलने का अर्थ क्या है, वो हमारे लिए बलिदान होने के लिए आया है। देखा ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत की पापों को उड़ा ले जाता है, ये सच्चाई है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को उड़ा लेकर गया। देखा हमारा पापों को उड़ा ले जाने वाला है, उड़ा करके वो पाप का मजदूरी मृत्यु पाने के लिए वो कहां गया, सूली पर। मेरा पहला कुरिंदी सॉरी पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 24 वचन, देखा वो हमारा पापों को अपने ऊपर लेते हुए क्रूस पर चढ़ गया। हमारे लिए वह बलिदान होने के लिए आया, वह क्रूस पर चढ़ करके अपनी पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, क्योंकि बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं। प्रियो वही एकमात्र ये दुनिया में मतलब बहुत से मेमने थे, पर वो प्रभु का मेमना नहीं था, लेकिन यीशु मसीह का एक मेमना। जब यूहन्ना पहला अध्याय का 36 वचन में क्या बोलता, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखा ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है। देखा परमेश्वर ने एक मेमने को तैयार किया मानव जाति का छुटकारा के लिए, हमारे लिए बलिदान होने के लिए प्रभु ने एक मेमने को तैयार किया। हम लोग प्रभु यीशु मसीह की ये बलिदान के बारे में बहुत कुछ बात बाइबल में देखता है, उसमें से इस बलिदान का कुछ विशेष बात बलिदान के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बलिदान ये पगले से बदा करके किया हुआ बलिदान है। ये बलिदान का खूबी क्या है, पगले से बदाया हुआ हमें इसका बारे में ज्ञान दे करके प्रभु ने किया हुआ बलिदान है ना, बहुत बड़ी बात है। इस बलिदान के बारे में प्रभु ने पहले ही बता चुका था मानव को उसका छुटकारे के लिए कैसा प्रभु ये बलिदान करने वाला है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 5-7 तक का वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 10 अध्याय का 5-7 तक का वचन। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। देखो अभी उन भेड़ों से प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ, तो इसलिए वो भेड़ बनने के लिए मैं उस बलिदान करने के लिए मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, क्योंकि
पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मेरे विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इतना बड़ी बात है प्रियो, है ना। मेरे विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है। देखो यीशु मसीह के बारे में पूरा पवित्र शास्त्र किसके बारे में लिखा? प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है ना। पूरा पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। ये उड़ा हुआ यीशु मसीह ने बोला, मतलब जब लूका 24 अध्याय उसका 45 वचन, तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए उनकी समझ खोल दी। उनका समझ तो खोल दिया, मतलब उससे पहले, मतलब फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है। देखा ये सारे बात कहाँ लिखा? मेरे विषय में मूसा से लेकर के, मानव पहला किताब उत्पत्ति से लेकर के पांच किताब मूसा के द्वारा लिखा गया, उन सारे किताबों में किसके बारे में लिखा? हाँ, मेरे बारे में लिखा करके यीशु मसीह दावा करके उनको माने बजाता है। प्रियो कितनी बड़ी बात है, संपूर्ण बाइबल में प्रभु यीशु मसीह भरा है ना। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ बात को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया और वो पूरा किया। प्रभु ने व्यवस्था हटाने के लिए नहीं आया, व्यवस्था पूरा करने के लिए आया है ना। कितना बड़ी बात है प्रियो, एक एक बात जो भी हुआ वो वजन के आधार में हुआ, वजन के अनुसार हुआ। आपको मालूम है एक एक बात, आप सोचिए, मतलब यीशु मसीह की मतलब जन्म कैसे होगा, बोला कैसे होगा, एक कुमारी के द्वारा लिखा है ना। जब यशिया 7 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, एक कुमारी गर्भवती होगी। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी। देखा, एक कुमारी गर्भवती होगा और पुत्र जनेगी, पुत्र जनेगा, इमानुएल रखना। देखा उसका नाम इमानुएल है, इमानुएल का अर्थ क्या? परमेश्वर हमारे साथ। देखा जब यीशु मसीह ये दुनिया में जीता था तब नाम क्या था? इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। कितना बड़ी बात है ना। यीशु मसीह की जन्म कैसे होगा? जन्म का जगह नासिकी में होगा, ऐसा लिखा? अगर लिखा होता नासिकी में जन्म होता, परंतु मेघा नबी ने मतलब यीशु मसीह की जन्म से पर करीब 750 साल पहले मीका नबी लिख कर रखा है कि वो बैतलहम में जन्म होगा, है ना। मीका 5:2 में लिखा ना, बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसे छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से एक मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। देखो मानो तुझ में से आएगा, मानो अभी यीशु मसीह के जन्म का जगत तक लिखा है। आप देखो प्रियो, है ना, किसी कारण भी प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाने के लिए नमकीन था, लेकिन प्रभु ने वहां पर भगाया। प्रभु का एक भी वचन किसी प्रकार भी अधूरा नहीं रह सकता प्रियो, है ना। बहुत बड़ी बात है, प्रभु का वचन में जो लिखा है वैसा ही होते रहा, है ना। इसलिए पौलुस पत्र लिखने के टाइम पर बोलता है ना, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 3-4 वचन, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हरेक बात पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ, अभी भी होने वाला बात पवित्र शास्त्र के अनुसार होगा, है ना। अभी प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। आज हम प्रभु यीशु मसीह की वापस की आने की बात जो रहे, है ना। अनेक उदार पाए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से वापस मेरे लिए आएगा उस इंतजार में है, वो भी वजन के अनुसार पूरा होगा, है ना। वो भी वजन के अनुसार पूरा होगा, वजन के अनुसार ये सारे बात होता है। प्रभु कब आएगा? वजन के अनुसार आएगा, जब वो समय पूर्ण हो जाएगा। अभी यीशु मसीह एक समय में आया, कब आया यीशु मसीह दुनिया में? वहां पर क्लियर लिखा, क्योंकि ना प्रभु समय का बहुत अंचल है। प्रभु वहां पर ऐसा प्रयोग है, कहलाती हूँ 4:4 में हम पढ़ता है। हाँ देखा, समय पूरा हुआ, वो 10 मिनट ज्यादा मतलब बाद में आया, ऐसा ही क्या? नो, एक सेकंड बाद में नहीं, प्रभु का समय पूरा हुआ, है ना। प्रभु कई बार बोलता है मेरा समय नहीं आया। प्रभु हरेक काम वो समय पर करता है। हाँ, हम लोगों को कोई समय नहीं, कोई बेल ब्रेक नहीं, ऐसे नहीं प्रियो।
हम प्रभु में है तो हमारा भी हर एक बातों में एक डिसिप्लिन चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना मसीह के चेले हैं, डिसिप्लिन में सबसे बड़ा बात क्या है? डिसिप्लिन है ना। डिसिप्लिन देखे तो जीवन हो मसीह जीवन नहीं है प्रियो, है ना, मनमानी के जीवन वो उसको उसमें प्रभु प्रसन्न नहीं होता। हमारे हर एक बातों में बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, है ना। यीशु मसीह हर एक काम समय पर करता। अभी दोबारा आगमन भी प्रभु समय पर आएगा, समय पर आएगा। हमको लगता होगा देर हो रहा है करके, देर नहीं हुआ, समय हो गया, प्रभु पक्का आएगा। प्रभु का समय पर, क्योंकि सारा कंट्रोल प्रभु का हाथ में है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकारी हमारे यीशु मसीह है ना, उसके हाथ में। तो फिर आगे पीछे होगा समय? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब अगली बात, ये बलिदान का सबसे बड़ा महत्व की खूबी क्या था? ये पगले से बताया और उसके अनुसार हुआ बलिदान। दूसरा, ये बलिदान का एक महान खूबी क्या मालूम है? ये बार बार ऐसा बलि करने की जरूरत नहीं है ना। मानो पुराने नियम की महायाजक को हर साल में बलि करना पड़ता था, परंतु ये बलि का खूबी क्या है? ये बलि बार बार बलि करने का जरूरत नहीं। देखा कितनी बड़ी बात है। जब इब्रानियों का पत्री उसका 9 अध्याय उसका 25-26 वचन पढ़ना, इब्रानियों उसका 9 अध्याय का 25-26। देखा महायाजक को हर वर्ष में हर साल में भेड़ बकरियों की लोगों लेकर के जाना पड़ता था, परंतु यीशु मसीह को जरूरत नहीं। उसने क्या किया? अपने ही बलिदान के द्वारा देखा, अपने ही बलिदान के द्वारा, पर अभी बार बार बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। उसका मतलब 7 अध्याय का 27 वचन पढ़ना, इब्रानियों उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। देखा, एक ही बार में एक ही बलिदान से पूरा कर दिया। उसके और एक वचन पढ़ना, 10:28 वचन, और जबकि क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। प्रियो, यीशु मसीह की एक ही बार का बलिदान के द्वारा पाप क्षमा का कार्य पूरा हो गया। कितना बड़ी बात है, है? आज भी हमें कोई पापी सुनता है तो मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी पापों के लिए और कोई मार्ग नहीं। अभी व्यक्ति के लिए एक बलिदान होना चाहिए था, वो प्रभु यीशु मसीह में हमेशा के लिए पूर्ण कर चुका है। आज एक ही बात करना है, एक ही काम करना, विश्वास करना, विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के मेरे पापों को लेकर के सूली पर मरा, ये विश्वास करने के लिए अगर आप तैयार है, आपको पाप क्षमा देने के लिए प्रभु तैयार है। आज आप पाप में मरकर नरक में जाता है तो ये कोई मतलब प्रभु का गलती नहीं, आपका गलती है। क्योंकि प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने हमारे लिए कालवरी सूली पर हमारे पाप का प्रायश्चित के लिए अपने आप को बलिदान किया। रियो, ये बात आप विश्वास नहीं करोगे? बाप रे, आप विश्वास नहीं कर रहे। आप अभी भी पाप में जी करके पाप में होकर के जी करके मर करके नरक में जाना चाहते हैं? ओ, आप कितना धोखे में है प्रियो, कितना बड़ा धोखे में है। नरक भयानक है प्रियो। प्रभु का वचन में जो लिखा है सत्य लिखा है ना। एव पाला तिमोथी 5 अध्याय का 15 वचन प्रियो, वो वचन कभी नहीं भूलना, और हर प्रकार से मानने की योग्य है। पापा सुनिए, शुरू से पढ़ो। यह बात सच, देखो यह बात सच है। देखिए, आप प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का वचन सुन रहे हैं, यह बात सत्य है, सच है। कितने लोग मानेगा? यह बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य है। देखा,
सब लोग हर प्रकार मानने का योग्य वचन है। ये मानने का योग्य वचन है क्या है? कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। देखा देखा है, मसीह यीशु ये दुनिया में किस लिए आया? किस लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए, है ना? सच्ची बात है ना? कितने लोग विश्वास करता? हाँ विश्वास करते आप, क्योंकि कई लोग विश्वास नहीं करता। ये सच्ची बात है, यही है कि सच्चाई है, इसके बाहर सच्चाई नहीं। ये दुनिया में हम पापियों को बचाने के लिए और कोई नहीं आया, और कोई सच्चाई नहीं। प्रभु यीशु मसीह की बाहर सच्चाई है ही नहीं, ये सच्ची बात है, विश्वास करने के लायक बात है। फिर भी आप विश्वास नहीं करते हो। आपने उद्धार पाया? आपने पाप क्षमा पाया? आपका नया जन्म हुआ? अरे को प्रियो, जो भी आपके लिए करना था प्रभु ने किया। प्रियो, प्रभु ने अपनी एक ही बात के बलिदान के द्वारा पाप क्षमा का कार्य पूरा किया। आज आप अगर ये सच्चाई पर विश्वास नहीं किया, प्रियो आपका जीवन में होने वाला नुकसान आप जानना, आप अपने पाव में जीकर पाव में मरकर आनंद काल का नरक में जाएगा। मरने के बाद में विश्वास करेगा तो कोई फायदा है क्या? नहीं, समय पार होने के बाद में विश्वास करने से कोई फायदा नहीं। जीते जीते जो लोग ये बात विश्वास करेगा तो वो व्यक्ति का प्रभु भी ग्रहण करेगा उस व्यक्ति को। कितना अनमोल बात है। इसका मतलब क्या है प्रभु? प्रभु का ये बलिदान का महान खूबी क्या है? बार बार और बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं। बहुत बड़ी बात है। पहली बात, ये बलिदान पहले से प्रभु ने कहा हुआ वो वजन के अनुसार ये बलिदान था। दूसरी बात, और ये बलिदान बार बार करने का, बाकी महायाजक लोग जो करते थे ऐसा बार बार करने का जरूरत नहीं। तीसरी एक महान खूबी क्या मालूम है? ये संपूर्ण रीति में, मतलब उसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं, पूर्ण रूप में हमको हमारा अपराधों से छुटकारा देने वाला बलिदान है। संपूर्ण रीति में हमें अपने अपराधों से छुटकारा देने वाला बलिदान है ना? इब्रानियों का पत्र 10 अध्याय का 10 वचन, इब्रानियों से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। अभी देखा हम एक उसके साथ उसका 12-14 भी पढ़िएगा। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। ओ देखा, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। देखो कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बलिदान का महत्वपूर्ण एक बात, उसका साथ उसका 9 अध्याय 11-12 वचन भी पढ़ना। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। देखा, अनंत छुटकारा प्राप्त किया, बोलेगा तो हमेशा का छुटकारा प्राप्त किया। अभी आपको मतलब आपका बारे में सोच करके दुखी बनने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। प्रभु हमें मिला हुआ ये छुटकारा कितना बड़ी बात है ना? इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के ये जो बलिदान जो है वो हमें संपूर्ण रीति में छुटकारा देता है। मतलब आधा नहीं, या उसके लिए और भी कोई हमारी तरफ से कोई परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। कितना अनमोल बात है प्रभु। और इस बलिदान का एक और खूबी मैं आपको बताऊं, ये बलिदान का पवित्र आत्मा का गवाह है। पवित्र आत्मा का गवाह है, पवित्र आत्मा कभी झूठ नहीं बोलेगा, है ना? जब इब्रानियों 10 अध्याय 15 वचन, पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। बस पवित्र आत्मा भी गवाही देता है। आप देखो, पवित्र आत्मा गवाही दे रहे क्या अर्थ? परमेश्वर गवाही दे रहा है। देखिए पवित्र आत्मा परमेश्वर भी गवाही दे रहा है। इस बलिदान पर विश्वास करने में हम कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए।
क्योंकि यहां पर पवित्र आत्मा का भी गवाही है ना, इधर कितने ही लोग ये सच्चाई में ये बलिदान में विश्वास करके उद्धार पा लिया प्रियो, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी अगर ये सच्चाई पर कोई विश्वास नहीं करता है तो वो कितना कठोर मन का है, वो कितना प्रभु का शायद त्यागा हुआ हो सकता है। हमें ये बात को परखना है, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उस बलिदान पर विश्वास करके मैंने पाप क्षमा को प्राप्त किया है कि नहीं, ये जानना जरूरी बात है। और पांचवा बात क्या मालूम है, ये बलिदान हमारा आंतरिक शुद्धि अंदर का पवित्रता लाता है। क्या लाता? अंदर में पवित्रता लाता है। इब्रानियों 10 अध्याय का 16 वचन पढ़ना। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक को विवेक में डालूंगा। देखा, मतलब हमारे हृदय में कितने बड़ी बात है, हमारे हृदय की अवस्था को प्रभु बदलेगा। प्रभु ये वचनों को हमारे हृदय में लिखेगा, वो हमारे हृदय में ये वचन नहीं आते थे ना। आज एक पापी अवस्था में जीने वाले व्यक्ति के लिए प्रभु का वचन अपने हृदय में आना बोलेगा तो बहुत नामुमकिन की बात है ना। परंतु प्रभु ने क्या किया, जो भी इस बलिदान पर विश्वास किया प्रभु ने उनको एक नया हृदय दिया, और वो नया हृदय में प्रभु अपना वचन व्यवस्था लिखता है, रोज लिखता है। पवित्र आत्मा रोज हमारा हृदय की पटरी में ये वचन लिखते जाता है। जो भी सुनता ना, सुनने के समय में प्रभु की आत्मा हमारे दिल में लिखते जाता है। लिखता है कि नहीं? कई लोग भूल जाता, क्योंकि अभी भी उनके हृदय में प्रभु का वचन लिखा जाने लायक अवस्था नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति को प्रभु से पाप क्षमा मिला है, आपको सबको याद है इसके नबी किताब 36 अध्याय उसका 26-27 वचन में प्रभु ने वायदा दिया था, मैं तुमको नया मन दूंगा। देखा, नया मन है, प्रभु ने हमें एक नया मन दिया। और आगे, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर। देखा, वो हृदय कैसा हो गया? पत्थर का। एक समय में प्रभु अपने हाथ से पत्थर का पटरी पर व्यवस्था लिख कर दिया था, पर जो आज आत्मा ऐसा पटरी पर नहीं लिखता। प्रभु कैसा पटरी पर लिखता? महासरूपी पटरी पर। तो हमारा हरेक मनुष्य का ये हृदय क्या हो गया? पत्थर का हो गया, पत्थर सा हो गया। अभी वो वजन वहां पर काम नहीं करता, तो इसलिए प्रभु बोलता है अभी मैं तुम्हें एक नया हृदय देगा। कौन सा हृदय देगा? तुमको मांस का हृदय दूंगा। मांस का हृदय देगा, मांस का हृदय देगा। ओ, कितने लोगों ने वो हृदय पाया, नया जन्म पाया, वो सबको मिला। यीशु मसीह की बलिदान पर विश्वास किया, वो सबको नया हृदय मिला, मांस रूपी हृदय मिला। और प्रभु वो काम कर रहा है। मेरा दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 3 वचन में क्या देखता है? जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो साई से परम को जीवित है लिखा, जीवित परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखता है, लिखता है, लिखता है, लिखता है। बहुत अच्छी बात है, लिखता है कि नहीं? हाँ, प्रभु की आत्मा, प्रभु जब वचन बजाता है, प्रभु वचन सुनाता है, उस समय में आत्मा हमारा भी हृदय में लिखता है। हाँ, कितना बड़ी बात है प्रियो, है प्रभु के द्वारा लिखे जाने वाला अनुभव। प्रभु अपनी वचन को अपनी हृदय की पटरी पर लिखा जाता है। ओ, हमारा पितर का अवस्था भी प्रभु ने ये बलिदान के द्वारा बदल दिया, हमें एक मांसरूपी हृदय दिया, है ना। ये सब प्रभु ने किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, जो भी किया प्रभु ने किया, परंतु ये सच्चाई हमने माना, ये तो बहुत बड़ी बात है। उसका भी अनुग्रह प्रभु ने दिया, तभी तो माना। हमारा बुद्धि अगर नहीं खोला तो, है ना, बोलता ना मोटा दिमाग है ना, मोसे ने बोला मोटा जीव है, किसी का मोटा दिमाग है ना। प्रेशर तो जो भी बात है प्रियो, एक बात जानना, हमारे लिए प्रभु ने किया हुआ यही बलिदान वो क्या करता है, वो हमें इस बलिदान के द्वारा अंदर शुद्ध करता है। और छठवीं बात क्या मालूम है, ये बलिदान हमें प्रभु का निकट लाता है। ओ क्या बात है प्रियो, प्रभु का निकट जाना कोई आसानी बात है क्या? नहीं है ना। अगर हम कहीं पुराने नियम के अनुसार है तो वहां पर कोई पर्व हो रहा है तो हम जाएगा तो हम कहां रहेगा? बाहर, बहुत दूर, क्या भीड़ रहेगा,
अब देखो हमें कहीं नजदीक जाने के लिए मौका नहीं था, लेकिन वो आंगन में भी घुसने के लिए ना मौका नहीं, मौका नहीं, आंगन से भी बहुत बाहर, क्या बताओ ऐसे लोग था हम लोग, आंगन में भी नहीं जा सकता, पवित्र शास्त्र में जाने के बाद स्वप्न नहीं देख सकता, अति पवित्र स्थान में बात सोचने की जरूरत नहीं, वो तो हमारा हमारे सोच के बाहर था। पर जो आज प्रयोग, आज प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा अति पवित्र स्थान में कृपासन के निकट, ओ हमें प्रभु के निकट आने के लिए प्रभु ने हमको सहायता किया। देखा ना इब्रानियों के पत्री दस अध्याय उसका 19-22 है, भाइयों जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से, अधिक हम लोग जो जाने वाला मार्ग कौन सा है, नया मार्ग है, जीवित मार्ग है, क्या बात है, जीवन की मार्ग, ऐसे कोई मार्ग देखा आपने दुनिया में, कोई है क्या, नहीं है ना, एक है 47 घन का नाम है MH, इधर का हाईवे का नाम कितना बोलते हैं, MH बोलते हैं, NH बोलते हैं, NH, NH नेशनल हाईवे, अभी काकरे रोड का कोई नंबर नहीं आया है ना, क्योंकि नेशनल हाईवे का नंबर नहीं आया, काकरे रोड आया कोई नहीं, NH उधर से जाता है, मतलब बॉम्बे, वो उसको नंबर दिया है ना, ओ प्रियो ऐसा है नंबर ही नहीं है, तो ये जीवित मार्ग है, ये मार्ग में है ना सादा लोग नहीं जा सकता, ये राजमार्ग है, ये जीवन का मार्ग, इसके बारे में ऐसी हमें लिखा है, ऐसे एक शब्द SER 35 का 8 वचन में क्या लिखा हुआ, हाँ ये कौन सा मार्ग है, राजा लोग जाने वाला मार्ग है, राजा लोग जाने वाला मार्ग है, हम लोग कौन है, राजा, कौन है, राजा है, ऐसी दरी में बैठे बैठे राजा बोलते, दरी में बैठते राजा, देखो ना प्रियो हम भविष्य में हमेशा का राजा है, 5 साल का 10 साल का नहीं, एक छोटा आयु का नहीं, अनंत काल का कितना बड़ी बात है, और हम यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज भी करेगा, वाह 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 वाह, देखा राजकुमार लोग बैठा है, कितना बड़ी बात है प्रियो, हाँ ये विश्वास करता है तो कैसे चमकना चाहिए, हाँ पाउडर डाल के नहीं, खुशी से चमकेगा, आपको मालूम है ना ये प्रभु का वचन का महत्व जानेगा तो सच में, अभी भी है ना बहुत लोग ये वचन को उसका सामर्थ्य को नहीं समझते, एक सच्चा विश्वास है तो डॉक्टर साहब इधर बैठा है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, बड़ा डॉक्टर का वचन है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये दुनिया का कोई भी डॉक्टर लिख करके देने वाला मेडिसिन से भी गारंटी से मैं बोलता हूं, आपका कितना भयंकर बीमारी हो चंकाइए, अभी डॉक्टर लिख करके देगा तो वो पर्ची खाएगा तो चंगा ही होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, वैसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता, प्रभु प्रियो मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये वचन में लिखा वो एक ही भी बात गलत नहीं, गलत नहीं, अगर आपको कोई भी प्रकार का तकलीफ है, कोई आकर के सिर पकड़ करके हिला करके भूम बोल के मारने की जरूरत नहीं, ये वचन ध्यान से सुन करके ले लो ना, देखो नीली वजन 4:22 में क्या लिखा, नीली वजन 4:22 वजन, क्योंकि जिनको भी प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है, किसको ये प्राप्त होती है, प्राप्त होता है, प्राप्त होना इसको खाने का, ये वजन को सच्चा दिल से खाओ ना, फिर आप देखो कैसे चंगे ही नहीं होता, है ना प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप विश्वास के साथ प्रभु के उपस्थिति में आएगा, वचन सुनेगा तो, मैंने कितना मतलब बहुत गवाही सुना है, मैं बीमार होकर के आया और तुम्हें चंगाई के साथ लौट रहा हूँ, कितना गवाही आपका भी जीवन में अनुभव होगा ना, क्योंकि कौन सा मेडिसिन खाया, सच्चा मेडिसिन, इससे कोई आपको मालूम है कई मेडिसिन भी खाता है तो कई साइड इफेक्ट होता है, ये आएगा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और संपूर्ण डिजी में शरीर को
मन दिल को सब प्रकार चंगाई चंगाई ऐसा टोनिक, ऐसा टोनिक क्या बताऊ, लोग नहीं चाहता। और इसको खाने पीने के टाइम पर कुछ कड़वा लगता है क्या? नहीं है ना, स्वादिष्ट है, मधु से भी मीठा, मधु से भी मीठा पिएगा ना, बार बार पीने का दिल आएगा, पीता ही नहीं लोग। अरे पी करके देखो ना, चक्कर देखो ना, चक्कर देखो, चक्कर देखो, इसलिए पीता नहीं, घर में रहता है। क्या बात करते हैं, मेडिसिन लेकर के घर में रहेगा चंगा होगा क्या? अरे पियो ना, पियो पियो। तो प्रियो अल्लाह सरफ आपकी क्षमा ही बहुत बड़ी बात है। तो छठवीं बात मैं आपको बताता हूँ, प्रभु के निकट ला रहे हैं। अभी पढ़ रहा था हरेक लोग, ये जब वजन में आपको मालूम है इब्रानियों 4 अध्याय का 16 वजन में क्या लिखा, इब्रानियों 4 अध्याय का 16 वजन, मुश्किल से साल साल में एक बार मौका मिलता, पर तो उधर भी जाता है तो कैसे जाता, कहीं प्रभु की दृष्टि में कुछ ऐसे बात दिखेगा तो उधर ही खत्म। देखा, जिंदा वापस नहीं आएगा, इसलिए चेन बांधा हुआ है पांव में, खींच करके लाएगा। देखा, परंतु यहां पर प्रभु यीशु मसीह की महीना में एक बार नहीं, हफ्ता में एक बार नहीं, दिन में एक बार नहीं, हजारों बार जाओ। इतना बड़ा परमिशन, इतना बड़ा परमिशन मिला हुआ, पुराने नियम का महायाजक से भी बड़ा याजक लोग इधर बैठा है, याजक है ना, इतने लोग
द्वारा विश्वास। शैतान का संतान है। इस शैतान का संतानों को परमेश्वर का बात अच्छा लगता है? नहीं लगता, नहीं लगता। आपको अच्छा नहीं लगता, बात कुछ नहीं, शैतान का संतान है इसलिए। ओके, आखिरी बात भी बोलकर जल्दी खत्म करेगा कि क्या करता है ना, मतलब मनुष्य को परमेश्वर का आराधक बनाया या आराधना का योग्य बनाया। सब लोग प्रभु की आराधना नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर की आराधना करने के लिए योग्यता चाहिए। वो योग्यता प्रभु का बलिदान के द्वारा हमें मिला। क्या बड़ी बातें हुई है ना, जब इब्रानियों उसका दसवां अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ो। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना होता जाता, इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हीं पापी न पापी और उसके साथ में से दूर रहता है, यीशु मसीह आपको मैंने पिछले दिन में भी बताया, वो दो चोर प्रभु यीशु मसीह के साथ लड़काया हुआ था। वो चोर था और तो एक चोर नहीं रहा, वो पवित्र जन बना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास किया। आप देखा तो वो दूसरा कम से कम यीशु मसीह की शब्द सुन करके वो भी बोल जा सकता था कि प्रभु मैंने कृपा हो गया मेरे से, मुझको भी आपके राज्य में आने के समय में मुझको भी याद करना। उसको भी प्रभु बोलता, आज तुम मेरे साथ प्रभु से मिलो। कितना इतना बड़ा कठोर पापी, उसका मित्र को ही बचा लिया, उसको क्यों नहीं बचाएगा। लेकिन एक बात कबूल करना था, यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह जी उड़ेगा, यीशु मसीह मरने के बाद में वापस आएगा। देखा है, यीशु मसीह ने बोला, देखो बेटे तूने बोला ना मैं आने के टाइम पर, बहुत देर हो जाएगा, 2000 साल इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए तू इंतजार मत करो, आज ही तू मेरे साथ में सब लोग। कितना बड़ी बात है, ओ प्रभु का कार्य कितना महान है। प्रियो प्रभु बहुत अरे हमारे लिए कितना प्यार करता है और कितना बड़ा काम किया। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे प्रभु बहुत महान है ना, उसका प्रेम
अगप्पे प्रेम, वो प्रेम को जानना और वो प्रेम में बना रहना, क्योंकि वो प्रेम पाया बोलोगे मसीह लोगों, मसीह लोगों क्या पाया, प्रभु का प्रेम को पाया, इसलिए हमारा उद्धार हुआ है ना। तो उस लोग प्रभु को कैसे आभारी होकर के प्रभु का महिमा करना चाहिए, तो प्रभु जरूर आज भी प्रभु में जाने से पहले अपने आप को जांचने के लिए, परखने के लिए, अपनी कोई भी गलती हुआ, प्रभु का दुख होने वाला कोई भी बात हो हमारे जीवन में बात हो, वो कबूल करके मन फिरते हुए योगिनी जी में हाथ बढ़ाकर प्रभु के आगमन की बात जोने के लिए अनेक पवित्र लोगों को ये वचनों के द्वारा सबको प्रभु आशीष दे, प्रभु का महिमा।